अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप इस सड़े हुए समाज की सड़ी हुई तस्वीर देखिए। राजस्थान के जयपुर में मोहम्मद इकबाल को बेरहमी से नानी के घर से लौटते हुए हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अब कुछ हथियारों को गिरफ्तार किया गया। उन हथियारों की हिमायत में इन बेवकूफ़ों ने रैली निकाली है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनाकिद किया है उसकी हिमायत में, और उल्टे सीधे बातें इसके अंदर मुसलमानों के खिलाफ बोली जा रही हैं। क्या राजस्थान सरकार इनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी? दूसरी खबर आपके सामने मैं पेश करता हूं, आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो कर्नाटक की है। कर्नाटक में एक मस्जिद के सामने एक इनकी यात्रा निकल रही है। यात्रा को रोककर आरती की गई और मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए। अगर मुसलमान एक चार पाँच मिनट के लिए नमाज पढ़ लें, या अभी बरेली के अंदर मामला हुआ था, जनाजे की नमाज सड़क के किनारे पड़ी गई थी, कुछ लोग सड़क पर भी होंगे, उनमें से 27 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। सिर्फ एक मिनट के अंदर अंदर जनाजे की नमाज हो जाती है, लेकिन वहाँ यहाँ पर देखिए कि मस्जिद के सामने आपत्तिजनक नारे और मस्जिद के सामने आरती की जा रही है। तो मस्जिद के सामने क्या सड़क इनके बाप की है जो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती? दोस्तों, आप क्या कहेंगे इन दोनों वीडियो के बारे में, ये पहली वीडियो के बारे में जो मोहम्मद इकबाल के खिलाफ निकाली गई है? ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन घंटे को साथ साथ में ज़रूर दबा लें। दुआ करें कि हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएँ।